Hey everyone, welcome back to my channel Mom's Era and आज parenting tips segment में मैं आपके साथ discuss करूँगी 4 toxic things जो parents अपने बच्चों को अनजाने में बोल जाते हैं, but क्या आपको पता है इसका आपके बच्चों पे क्या असर पड़ता है? उनकी physical health के साथ साथ उनकी mental health पे भी पड़ता है। Subscribe to Mom's Era and hit the bell icon for future notifications. कोई भी बात जब पेरेंट्स अपने बच्चों से बोलते हैं, स्पेशली ड्यूरिंग देयर चाइल्डहुड डेज, तो उनका पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट उनकी लाइफ पे पड़ता है। ये सारी बातें उनकी पर्सनैलिटी, बिलीव्स, इमोशंस को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करती है। अनफॉर्चुनेटली मैनी पेरेंट्स, स्पेशली जब वो एंग्री होते हैं, तो कुछ ऐसी हार्मफुल बातें बोल जाते हैं जो उनके बच्चों के दिमाग में हमेशा के लिए एक घाव की तरह रह जाती है, मतलब एक वूंड की तरह रह जाती है। और अगर यही वूंड टाइम पर हील ना हो पाए तो ये उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में इफ़ेक्ट करता है। यह टॉपिक उतना ही ज़रूरी है जितना फिजिकल अब्यूज़। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं वो टॉक्सिक थिंग्स एंड वो वर्ड्स और सेंटेंसेस जो पेरेंट्स को अवॉइड करने चाहिए एंड बोलने से पहले 2 या 3 बार सोचना चाहिए। नंबर 1, टॉक्सिक कंपैरिजन। तुमने शर्मा जी के बेटे को देखा है, उसके कितने मार्क्स आए हैं? तुमने अपने सिबलिंग्स को देखा है, क्या उसके कितने मार्क्स आए? तुम उसके जैसे क्यों नहीं हो जाते हो? उससे ज़्यादा मार्क्स लेकर आओ। ऑल दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस आपके बच्चे के सेल्फ कॉन्फिडेंस को रिड्यूस करता है एंड बच्चा सोचना स्टार्ट कर देता है कि शायद वो किसी चीज़ में कभी अच्छा था ही नहीं एंड ना ही होगा। और हाँ, इससे बच्चे के अंदर जेलेसी फैक्टर लाइक अनहेल्दी ट्रेट्स क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। सो इंस्टेंट टेल देम हाउ स्पेशल दे आर इन देयर ओन वे एंड उन्हें बताएं कि उनकी खुद की एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी है एंड कंपैरिजन इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी। नंबर 2, वर्बल एब्यूज वर्ड्स। यू आर स्टूपिड, फेलियर, लूजर, गुड फॉर नथिंग, इस टाइप के वर्ड्स आपके बच्चे के दिमाग में हमेशा के लिए छप जाते हैं एंड वो अपने ऊपर विश्वास करना छोड़ देते हैं। इंस्टेंट ऑफ अब्यूजिंग दैम, उन्हें जैसे हैं वो उन्हें स्वीकार करें एंड उन्हें सिखाएं हाउ टू बी ब्रेव एंड टू हैव ए हेल्दी लाइफ। नंबर 3, ऑफेंसिव वर्ड अबाउट देयर अपेयरेंस। तुम बहुत मोटी हो रही हो, तुम बहुत पतली हो, यू आर अगली, ऑल दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेज शुड बी अवॉइडेड। जब भी आप अपने बच्चे को इस टाइप के सेंटेंसेस बोलते हैं तो बच्चा अपनी बॉडी इमेज के बारे में सोचना शुरू कर देता है एंड इसी तरीके से बच्चा सोचते सोचते ईटिंग डिसऑर्डर्स की तरफ बढ़ जाता है। अगर आपका बच्चा जैसा मोटा हो रहा है तो पेरेंट्स ये बोलने की जगह कि आप बेटा बहुत मोटे हो रहे हो, उन जब भी वो कोई चीज़ खा रहे हैं तो उनको ये बताएं कि ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। उनको एक्सरसाइज एंड योगा के बारे में बताएं कि ये आपकी हेल्दी लाइफ के लिए ज़्यादा अच्छे हैं, बजाय ये बोलने की कि आप बहुत ज़्यादा मोटे हैं या आप बहुत ज़्यादा पतले हैं। उनके लाइफ स्टाइल के ऊपर वर्क करें एंड टीच देम टू फोकस ऑन इनर ब्यूटी एंड स्ट्रेंथ। नंबर 4, अदर प्रोवोकेटिव सेंटेंसेस लाइक You are burden, you are immature, you are so weird, हमने तुम्हारे ऊपर बहुत पैसा खर्च किया है, मेहनत करो, this kind of sentences should be avoided. इस टाइप के sentences जब भी आप अपने बच्चों से बोलते हैं तो उन्हें लगता है कि वो abnormal हैं and जब भी वो बाहर जाते हैं तो उन्हें लगता है कि उनके साथ कोई problem है, तो avoid करें इस तरीके के sentence बोलने से पहले। इस टाइप की words और sentences आपके बच्चे के emotional well-being को harm करते हैं। So teach them in the way they should go, in the way God wants it to be. Thanks for watching my video and for more parenting tips, subscribe my channel and hit the bell icon for new notifications.